सत श्री अकाल जी, मैं डॉक्टर विशव गोयल, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला। अज आपां एक पेशेंट का एक्सपीरियंस शेयर करवाना चाहते हैं। साढ़े को पेशेंट आए थे मिस्टर अजमेर सिंह, इन्हां नूं हार्ट की प्रॉब्लम सी, स्टेंट पए सी इन्हां दे 4-5 साल पहला, तो बिकॉज ऑफ दैट इन्हां दी नी सर्जरी डिले होंदी रही, बट ये साढ़े को आए ने, इन्होंने सर्जरी करवाई है। आई थिंक महीना भी नहीं होया, ही इज़ वॉकिंग परफेक्टली वैल, डूइंग वेरी वैल, तो इन्हों कोई इस तरह की कॉम्प्लीकेशन नहीं आई, तो पेशेंट अच्छी तरह चल फिर रहा है, खुद अपना काम कर रहे ने, तो आप उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर करते हो, अपना शेयर करना चाह रहे एक्सपीरियंस की कहना चाह रहे। मैं अजमेर सिंह धालीवाल, 75 साल की उम्र है मेरी। एक्चुअली मैं गोड्या तो काफ़ी दिनों तो मैं बहुत प्रॉब्लम रही सी, पर मैं हार्ट पेशेंट होने के नाल नाल मैं अपना टाइमली ऑपरेशन नहीं करा सकता, क्योंकि हार्ट वालों डॉक्टर साहब ने ओके नहीं सी कीता। मेरी पल्स बहुत लो रही सी, तो स्टंट वगैरह पे हुए ने, तो फिर मैं चंडीगढ़ ECP ट्रीटमेंट लिया, जिद मेरी पल्सेशन जी अच्छी हो गई। पहला मेरी 35-40 के बीच रही थी, दैन इंप्रूव होके 63-62 तक आ गई। तो फिर मैं डॉक्टर साहब कार्डियो वाले ने कंसल्ट किया, उन्होंने ओके कर दिता कि तुम ऑपरेशन करा सकते हो। तो फिर इस बाद मैं ऑपरेशन कराया, तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टोटली मैं फिट समझता अपने आप। मैनू इतने का स्टाफ ने, फिजियोथेरेपी स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, तो मैं हर तरह का कोई इदा ने महसूस नहीं होया कि मेरे गोडिया का ऑपरेशन होया। मैं आराम ना अपने घर पूरे काम जो रूटीन का होंगे सारे काम कर करता, स्टिल मैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कर रहा और इंप्रूवमेंट। पेशेंट मिस्टर धालीवाल जेडे, इन्हों ना हार्ट के हार्ट की प्रॉब्लम थी, इस्टीमिक हार्ट डिजीज से, दो स्टेंट पे सी, एक 2012 दे विच, एक 2-3 साल के बाद फिर एक होर स्टेंट पिया सी। थोड़ा डरते सी, ते कार्डियक क्लीयरेंस का भी इशू सी, ते बहुत लोगों के डर होंदा कि असी कार्डियक पेशेंट हाँ, पता नहीं साड़ी सर्जरी हो पाएगी या नहीं, जां असी बैड रिडन ना हो जाइए। ऐसा कुछ नहीं है, जे पेशेंट का हार्ट प्रॉपर जो असी फॉलो करते हैं, प्रॉपर कार्डियक मोनिटरिंग तो बाद ही पेशेंट को सर्जिकल क्लीयरेंस देंगे। जो वह नॉर्मल होंगे ताइयों आप सर्जरी करते हैं, जो क्लीयरेंस हो जाता है तो पेशेंट इस तरह कर सकते हैं, देखो ये अपनी लाइफ हुण बड़े आराम ना जी सकते हैं, कोई पेन किलर खाने की लोड़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हार्ट के कुछ इशू है, आप कंटीन्यूअसली नी खराब होने के कारण पेन किलर खावे किडनी पर बैड इफेक्ट आएगा। सो ही हैज़ टेकन अ गुड डिसीजन के नी रिप्लेसमेंट राइट टाइम पर हो जाए, सो दैट उन्हों की लाइफ अगे अच्छी निकल सके। सो ही इज़ अ गुड एग्जाम्पल फॉर पेशेंट हैविंग बायलैटर नी प्रॉब्लम, दोनों गोडिया प्रॉब्लम हो, हार्ट डिजीज़ भी हो, बट स्टिल यदा ये अच्छी एग्जाम्पल है कि पेशेंट वो भी नी रिप्लेसमेंट वल जा सकते हैं। थैंक यू।